देखो जी कर दिया दाह संस्कार की पूरी प्रक्रिया। अब यहाँ पे मोदी जी की और खट्टर जी का पुतला बताया जा रहा और इनकी मांग ये है लिपिक का वेतन 35,400 लागू करो जो इनका जायज है लेके रहेंगे यही बता रहे। नमस्कार, मैं अजय लो जी, एक तरफ तो है आपका चौधरी बंजलाल विश्वविद्यालय और एक तरफ आपका हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड। अब यहाँ पे पढ़ पढ़ के वो युवा यहाँ पे इन डिपार्टमेंटों जिसमें नौकरी करने का काम करेंगे, लेकिन सौभाग्य है आज पुलिस प्रशासन भी वो काम कर रहा है जो ये काम करते हैं आम लोगों के लिए, लेकिन पता नहीं चलता आज ये कर्मचारी है, आज ये कौन है और ये धरना प्रदर्शन रोड पर चलने क्यों मजबूर हो गए, अब इनकी बताऊंगा तो अब मान लो नहीं गे। ये शिक्षा बोर्ड के कर्मचारी है, अब ये शिक्षा बोर्ड के कर्मचारी है और बस रोड रोड विश्वविद्यालय के आगे था, शिक्षा बोर्ड आगे था, अब डीसी साहब के कोठी तक डीसी साहब के ऑफिस तक ज्ञापन देने जाएंगे और जो ज्ञापन के देंगे ये ज्ञापन की बजाय रोड पर जुलूस निकालने का काम करेंगे, चाहे सरकार हो चाहे वो प्रशासन हो चाहे कोई भी हो, लेकिन आज है कोर्ट पुलिस के आगे वहां पे तो जुलूस निकलता हुआ देखा जा सकता सरकार का प्रशासन का, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं अब डर नहीं लगता सरकार से प्रशासन से आपको 35,400 पढ़ा के लेके रहेंगे। अब उसी प्रक्रिया के अंदर शिक्षा बोर्ड के कर्मचारी है ये भी चल पड़े हैं, अब तो सिर्फ यूनियन है वो सिर्फ का वो है अब वो अगुवाई करती है और इन्होंने 3 दिन का शिक्षा बोर्ड के कर्मचारी ने अल्टीमेटम दे दिया कि 3 दिवसीय तक काम नहीं किया जाएगा। अब ये कैसा अल्टीमेटम है, किस तरह की व्यवस्था है, बेरा कोनी 3 दिन तक अब किस तरह काम बंद रहेगा शिक्षा बोर्ड का, क्योंकि भिवानी के अंदर ले जगह चीज है तो शिक्षा बोर्ड ही है, बाकी शहर के अंदर की स्थिति बाकी संद्र अधिकारी की व्यवस्था बाकी की चीज वह दिखा कौन नहीं, लेकिन दिखा है हरियाणा के अंदर एक शिक्षा बोर्ड दिखा है ले देके, लेकिन फिर से शिक्षा बोर्ड के कर्मचारी भी आज हड़ताल पे चल पड़े और डीसी साहब को ज्ञापन देंगे पता नहीं किसके ज्ञापन देंगे, लेकिन आज अर्थी पुतला लेके वो निकलते हुए रोड के ऊपर से, वो चाहे सरकार का हो वो चाहे प्रधानमंत्री का हो, लेकिन यह है कि आज तो ये निकल चुके। तो आ जाओ जी जोश गर्मी में मरोगे क्या, की लड़ाई है लड़के रहेंगे साथ में साथ चाहिए नहीं तो क्या कहेंगे आज शिक्षा बोर्ड भी रोड पर आ गया, सारे अदर सारे डिपार्टमेंट आने वाले टाइम में सर कर्मचारी संघ के साथ नीचे में रोड पे आएंगे, क्योंकि हमारी मांग है ना 2014 से है नोटिंग हमारा ये सॉरी थी हमारा नोटिफिकेशन होल्ड पड़ा है, उसको जैसे सरकार हमारी मांग मान लेते हम अपनी मांगों के लिए कौन नहीं लड़ता, की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और 400 दिन तो हो गए विधि प्रलन है जी, पहले दस वर्ष हो गए और जी आगे 8 बजे आज लिपिक का है आज आपने कर दिया सरकार सरकारी इकलौती पे आई हुई है, ये इकलौती नहीं चलेगी, हम कर्मचारी हैं जब सरकार की सेवा कर सकते हैं तो हम अपना हक भी मांगना हमारा अधिकार बनता है, शिक्षा बोर्ड की व्यवस्था मान सकते हैं बिल्कुल अर्थव्यवस्था आज सरकार की ठप है जी, आज शिक्षा बोर्ड की तो व्यवस्था ठप कर दी। नमस्ते, आपका जोश हर जगह दिखता है, क्या कहेंगे आज जो कार की थाली या खट्टर और मोदी की ढाली भाई कट्ठी थाली ये कट्ठे है कट्ठा बढ़िया खाए उड़ा इनका, हाँ ये आप जो कह रहे हर जगह हर वर्ग आज लिपिक की बात है चाहे कई कभी किसान की बात है हर वर्ग इनसे दुखी है, तो आज तो हर सरोड आज हड़ताल पे आ गया तो कितना काम बाधित हो गया शिक्षा के प्रति का, कितना काम बाधित हो गया
जो भी सीट पे कलरक काम करता है, बाहू काम करते हैं। शिक्षा बोर्ड का सारा काम जो है वो बाहुओं के ऊपर रहता है। जब वो हड़ताल पे तो शिक्षा बोर्ड में कोई काम नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा। चलो जी, कोई काम नहीं रहा। अब ये पुतला ले रहे हैं, बोर्ड भी ले रहे हैं और होल्डिंग ले रहे हैं, सब चीजें लेके चल रहे। अब देखते हैं जी, 8 दिन से तो उनकी लिपिकों की और पहले दिन की 3 दिवसीय हड़ताल का वो बताया गया, 3 दिवसीय हड़ताल होगी तो 3 दिन इनके शुरू हो गए और 8 दिन उनके हो गए। तो अब पता नहीं चल पा रहा कि किस तरह की व्यवस्था बढ़ेगी, किस तरह का के सौदा होगा। और बस यहाँ पे रुकने शुरू होगी, मंदी होनी शुरू होगी। ये अच्छी बात है इस शौक के लिए, इस व्यवस्था के लिए। ये बच्चे पढ़ रहे हैं और मेरे ऊपर आजा पंकज, दिखा दे इनकी एकता, दिखा दे इनकी सब कुछ, क्योंकि आज सिर भी दिखेंगे और इनकी अगवा भी दिखेगी उन कलरों के बीच में, शिक्षा बोर्ड के कर्मचारियों के रूप में। अब आगे दिखा दे आपकी प्रक्रिया। तो सारा सौदा है रोड पर, जो काम को पता लगा रहने का वो तो बता दो। मैं सारा सोता रोड पास जगह, कर्मचारी ग्रुप में है, लिपिकों ग्रुप में है, तो काम किसे चलेगा? काम के ही दाम मांग रहे हैं 35,400। अच्छा, काम के आधार पे हमारा 35,400 बनता है, वो हमें हक दिया जाए। पहला सरकार हमारे कलेक्टर का काम को एक डायरी डिस्पैच मारती है। तो आज कह सकते हैं पूरा शिक्षा बोर्ड ने बहिष्कार कर दिया काम का? हाँ जी बिल्कुल, काम का 3 दिवसीय हड़ताल है, अगर जरूरत पड़ी तो शीतकालीन हड़ताल भी होगी। अब आ जाओ जी, ये हड़ताल का स्वरूप है, ये हड़ताल की शुरुआत है। देखे जोश, देखे नारे, देखे क्योंकि ये चौक के ऊपर आज बात करूं तो जी, सेक्टर चौक के ऊपर की व्यवस्था यह है, पूरा शहर हेल्प निकल जा रहा है, पूरा शहर जान ला रहा है, ट्रैफिक रूम है। और बस ये है कि आज नारे दिख रहे, पुतला दिख रहा और सरकार की विफलता दिख रही, क्योंकि सरकार की विफलता ये बता रहे कि इनके न काम करने से आज जो कर्मचारी है उस पूर्ण रूप से हड़ताल पर जाने का काम करते हुए देखिए, चाहे वो शिक्षा बोर्ड के हो, चाहे वो नीति क्रम हो, चाहे किसी डिपार्टमेंट में हो, ये है कि आज इनकी आवाज बुलंद होती हुई देखी जा सकती है हरियाणा के अंदर से। देव जी कर दिया दाह संस्कार की पूरी प्रक्रिया। अब यहाँ पे मोदी जी की और खट्टर जी का पुतला बताया जा रहा और इनकी मांग ये है लिपिक का वेतन 35,400 लागू करो, जो इनका जायज है लेके रहेंगे, यही बता रहे संस्था वर्ग में, ये बता रहे कर्मचारी वर्ग में। लेकिन टाइम की बात करो तो सही मेरी घड़ी में 12:15 का छोटी काशी के शिक्षा बोर्ड के कर्मचारी ग्रुप में ये आपको दिखाई देंगे। आप देख कर्मचारी बोलना चाहो, आप देखो बोलने को क्या कहेंगे? आज 3 दिवसीय हड़ताल फिर कर दी आपने, कर दी तो हरियाणा ठप कर दिया आपने, तो नहीं हरियाणा ठप नहीं कर दिया, जो ये पेट की भूख है लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की, ये इनको रोड पर लेके आई है। अच्छा, न की कर्मचारी नेता लेके आए, क्योंकि आप देखोगे टमाटर के भाव हो गया और कितनी महंगी फीसें हैं। अब 1900 में कोई गुजारा करके दिखा दो कोई नेता, ये वापस अपना दफ्तर में काम करने के लिए चले जाएंगे। जो भत्ते वो ले रहे नेता, वो भत्ते इनको भी दिला दो, ये दफ्तरों में चले जाएंगे। हम ये कह रहे हैं कि कर्मचारी खासकर लिपिक वर्गीय कर्मचारी जो 1900 जिसका ग्रेड पे है, जिसका ग्रेड है, वो आदमी इन में गुजारा करके दिखा दो। नहीं पता ये बात तो है, आप भी दिन प्रतिदिन रोड खा ला रहे हो, क्योंकि आज 8 दिन हुआ है लिपिकल है, तो आज आप सारे चल पड़े, तो इस तरह से सरकार को जगाया जा सका तो 8 दिन तक ही बोली है। ऐसा है सर, हम कोई अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही मांग कर रहे हैं 35,400, और वो अपना घर चलाने के लिए मांग कर रहे हैं, अलग अलग नहीं है लिपिक, विचार अलग हो सकते हैं, मांग एक है। अब कहाँ जाएगा? अब जो कर्मचारी शिक्षा बोर्ड के जो आदेश देंगे, जो निर्णय लेंगे, उसके अनुसार सर्व कर्मचारी संघ के नेता साथ चले। चलो जी, अब वहाँ पे चलने की तैयारी हो रही है, आगे जाया जाएगा? हाँ, ये जहाँ ले जाएंगे वो उस धरने की तरफ जाएंगे, तो वहाँ जाएंगे। चलो जी, अगर धरने के ऊपर जाएंगे, धरने के ऊपर जाके उनसे बात करने का काम करूंगा। शिक्षा बोर्ड तो है, चालू चलते बात है प्रधान जी, प्रमाण साथी सरकार के प्रति जो लड़ेगा उसके साथ है, 35,400 लिपिक वर्ग का हक है, उस हक की लड़ाई के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और देखो आपके साथ तमाम शिक्षा बोर्ड का कर्मचारी आज हड़ताल जी, शिक्षा बोर्ड का कर्मचारी हड़ताल पे है। आप कंप्यूटर देखेगा मेरे घर में 1:45 हो गया और 1:45 बजे
शिक्षा बोर्ड कर्मचारी के उस लिपिक को धरने पर जाते हुए और वहाँ पे पहले से धरनों के ऊपर कदरकों के अंदर एक नई ऊर्जा भरने का काम किया जा रहा बादलों के माध्यम से और फिर से समूह के रूप में यूनियन शिक्षा बोर्ड उठ के अब काम बाधित करे तीन दिवस के लिए अब लिपियों के धरने तरफ बढ़ते हुए देखे जा सकते हैं जी। अब देखे जी कितने यूनियन ने यहाँ पे आज की किस तरह की यूनियन ने इनका समर्थन करती हुई देखी जा सकती है हरियाणा प्रदेश के अंदर चाहे दो दिवसीय हो या त्रि दिवसीय हो फिर से विशाला के यह सेवा होनी चाहिए कि गद्दे भी अपना बिछा लेते हैं काम भी अपना कर लेते हैं और मानने को लेके रहोगे हाँ जी 3500 का लेके रहोगे हाँ जी लेके रहेंगे बिल्कुल चाहे गांव हो धूप हो बारिश हो किमें हो कितनी ये अजी 19500 का जो ग्रेड है वो बहुत ही कम है। इसमें कर्मचारी लिपिक वर्ग का क्या इतनी महंगाई के टाइम में क्या खाएगा और क्या करेगा क्या पिएगा क्या खाएगा आ जाओ जी दोस्तों इससे आपने दोस्तों भर दिया अच्छी बात है जो वो जरूरी है चाहे यूनियन का हो चाहे किसी संस्था का हो चाहे वो किसी नेता के रूप का हो पहले फिर से शुरू हो गया सारे बोलेंगे बाकी सारे बोलेंगे आपसे बात हुई थी अभी तक राह चल जाएगी सरकार ठीक हो न भाई साहब आप माहौल देख रहे हो भाई सरकार की पूरी इज्जत कराया करते महा दे देंगे लेकिन ये मारा हाथ ये मदद लाग नहीं रहे तो हम आपके माध्यम से अजय भाई ये बताना चाह रहे हैं कि आज इस पत्थर सरकार की अर्थी के लिए गैस पे आए गए हैं अब पुराना और रह रहे हैं पूरा बचा देंगे अर्थी तैयार कर देंगे जिस दिन भाईचारा कहेगा उस दिन सब तुम्हें खा के ले जा भाई भाई यार सरकार ना संस्कार करना है शिक्षा बोर्ड के अंदर आ रहे हैं वो तो दस संस्कार करके आए हैं भाई साहब वो तो एक जो अंतिम संस्कार हो रहा अगर है उसका एक पड़ाव पार करके आए हैं आपने भी बेरा है ये एक बार जब दाह संस्कार करने के लिए जाते हैं तो बीच में एक पड़ाव है अगर है तो शिक्षा बोर्ड वाले भाइयों ने आप पड़ाव पर वो रख दिया आप उल्टा काम की तरह हो भला करो हो दस हजार बंद करो नहीं करी है ये बीच में पड़ाव है आए हैं और बाकायदा इस सरकार को मुखाग्नि देने का काम करेंगे और इसकी गर्मी भी कराएंगे और इसका काज में भी आपने बुलाएंगे जब काज बुलाओगे
बाजी बोल गए कौन सी गलत है रास्ते में तो भाई बोर नहीं हो जो है पीर शुगर का लेवल इतना बढ़ गया कागज का काम करते करते तो थोड़ा ही रिलैक्स हो जो है टाइम मिला है फुर्सत के पास अपने तो ये सरकार की भी मुर्दाबाद कर दिया हमारी शुगर और बीपी लेवल भी थोड़ा लेवल में आ जा है एक पंथ तीन काज पाशा के मजबूत ले हाँ मुर्दाबाद इंदार कर दे हाँ अपना हाथ मांग ले हाँ उन्हें भी ध्यान है भाई साहब आपका सहयोग चाहिए हमने बाजी बोल जाता हमने जिस बाजी ना बोला ये तो बीच बीच में फुर्सत मिलता है बढ़िया जी उसको फॉलो करें और सभी साथी ऐसे सरकार जाए जाएगी दो चार दिन में इनका मांगे जाए अपने आप ये समझने लग गई है अब ये अपना विचार बदल रही है सरकार और दो चार दिन में अपना फैसला दे दिया जो क्लरिकल नौकरी का जो जोश है अपने टीम अलग है नहीं जो अपनी तो आज शिक्षा बोर्ड भी आ गया क्या लगता है जल्दी बन जाएगा वो कहावत है मेरी सासू कदा या सुबह काम तो नहीं रहा है ना बोलने का तरह आ रहा है बिल्कुल बोला है की कर्मचारी का रहे कभी चल रहा है आज का मध्य हो गया रोज याद आऊंगा जब तक अड़े बैठोगे आज आठवां दिन तो क्या लगता है आज शिक्षा बोर्ड यूनियन भी आपके बीच में आ चुकी है एकता मजबूत होती जा रही है सरकार के पंखे पास जा रहे बांटेंगे भी पंखे भी बांटेंगे सरकार सुनेगी लेकिन हमारा संघर्ष चल रहा है सरकार कितने दिन सिर्फ दिखा रहे हैं कि बैठ सकते और बैठेंगे नमस्ते ये कहोगे इस तरह बाकी नहीं नहीं संघर्ष है हमारा संघर्ष जब तक 3500 नहीं मिले तब तक लड़ते रहेंगे ऐसा नहीं उठेंगे शिक्षा बोर्ड भी क्या गया शिक्षा बोर्ड भी हमारे साथ है सारे कलर सारे डिपार्टमेंट हमारे साथ है हम तो माफ करोगे माफ करोगे नहीं हो तो 35 माफ करके मांगेंगे किसी भी भाईचारे के अंदर फूट डालने की कोशिश करेगा वो भाई हमारा भाई नहीं हो सकता भाई नमस्ते नमस्ते उन भाइयों के बारे में मैं बताना नहीं चाहता हूँ बड़ा गलत सिखावागे क्या यूनियन आपके विचारों से आपको सारी है और अब ये नमस्ते नमस्कार जी इसमें क्या लिखो हो जो डेली 15 काम है आपके अटेंडेंस लगाओ है जो भी डिपार्टमेंट आवे है जो हमारे पटवारी भाई जो प्रेजेंट हो बस उसी की अटेंडेंस लगती जो प्रेजेंट नहीं होता उसकी अटेंडेंस नहीं अच्छा अच्छा कर्मचारी आओगे उसकी लगेगी हाजिरी हाजिर लगेगी अच्छा जी किस्टम जावा किस्टम आवा जो जो यूनियन आवा है उनका हिसाब किताब इसमें है नहीं नहीं यूनियन का कोई हिसाब किताब नहीं यूनियन का जो कमरे का आवा बस उसी का कमरे का कमरे का समर्थन देने आ रहे शिक्षा बोर्ड आगे उनकी भी हाजिरी उनका अलग से बना दिया उनसे अलग से बना दिया डिपार्टमेंट वाइज डिपार्टमेंट वाइज लगभग कितने डिपार्टमेंट अब तक लगभग हरियाणा के सभी डिपार्टमेंट आए कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं जो बचा हुआ लगभग सारे डिपार्टमेंट खाली कर दिए सारे डिपार्टमेंट खाली कर दिए है जोश में कोई कमी कोई नहीं है उसका मजा कैसे है बहुत बढ़िया आप तो आप पिक्चर दे भाई मैं नेत्रपाल क्लर्क इरिगेशन डिपार्टमेंट भिवाड़ी पोस्टिंग हुई यहाँ पर और अपने सी ए डब्ल्यू एस जो ये क्लर्क एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी है
इसका मैं कोर कमेटी अध्यक्ष हूँ। कोर कमेटी अध्यक्ष है तो पता नहीं कुछ आपके बात तो ये लगा कि आप किसी को चेता रहे थे, वो चेताने का धमकी का रूप था, वो बताना था या क्या मकसद था? साथियों आप पत्रकार माध्यम को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, हम सरकार को चेता रहे हैं, वो सरकार को बताना चाहते हैं, हम सारे क्लर्क इकट्ठे हैं, सारे स्टेट में ये कह रहे हैं कि राजनीति ना करो, राजनीति ना करो, राजनीति करने वाले लोग भी आके आपके बीच में आए हुए क्या? देखो साथियों हमारे जो विचार है वो शुद्ध 34-35-400 के लिए है, ये हमारी भाषा है, कोई साथी अपनी भाषा से न भटके, हमने बार बार बोलना पड़ता है क्योंकि हम नहीं चाहती 35-400 के अलावा सवाल में वो ले रहा हूँ कि इसके अंदर इस धरना प्रदर्शन के अंदर अलग अलग सभी डिपार्टमेंट आए हुए तो क्या इसके अंदर भी राजनीति करने वाले लोग घुसे हैं या आपकी जो भाषण तक सीमित है आपका? ये सिर्फ अपना भाषण है, कोई साथी हमारी राजनीति नहीं कर रहे हैं, सारे भाईचार हमारा इकट्ठा है, सारे कर्मचारी हमारे एक साथ है, कांग्रेसी बैठे को बीजेपी सबका बैठा है, उन लोगों के लिए हम चेताना चाहते हैं भाई हमारी मुहिम को 35-400 को कमजोर नहीं किया जाए, हम जो 35-400 की मांग लेकर चल रहे हैं उसके अंदर ही 35-400 होनी चाहिए। कोई बैठा हो सवाल था, मैं तो सोचा आपके भाषण सुना तो आपके भाषण अंदर लगा था कि आप जब धमकी दो हो कि ना ना ये काम कोई नहीं होने दो, कोई नहीं होने जा, इसलिए मैंने आपको सवाल कर लिया है। आप पत्रकार हो, पत्रकार हो बोल सकते हो भाई, हमने तो कांग्रेस पार्टी के ना बीजेपी पार्टी के हमारा सारा साझा जो मंच सजा हुआ है CAWS के तहत सारे कर्मचारी हमारे साथ में है। कि आज 8 दिन हो गए सरकार आपको नहीं सुन रही, नहीं देख रही, क्या मानते हैं कि सरकार की ये धर्म अटता है या फिर क्या है, क्या आपकी धर्म अटता नहीं है? भाई सरकार को हम बताना चाहते हैं, हम सिर्फ एक ही मांग के लिए 35-400 के लिए इकट्ठे हुए हैं, हम 35-400 के लिए सरकार को बार बार चेता चुके हैं, अभी तो हमारे कर्मचारी जो 100% अभी नीचे से, आज आपको मैं और बता देता हूँ, पूरा हेडक्वार्टर हजारों की संख्या में हेडक्वार्टर बंद कर दिए गए हैं, हमारे समर्थन में सारे कर्मचारी अपने काम छोड़ चुके हैं और आगे ये आंदोलन और भी तेज होने वाला है। तो लगता है कि ये आंदोलन तेज करने का करना पड़ेगा, सरकार मान जाएगी वो तो देखो सरकार का काम है, हमें तो मनाना है जी, किसी भी तरह से माने, शाम दाम दंड भेद जो भी होगा, लेकिन 35-400 लेके रहेंगे बिल्कुल, रात को भी नहीं बैठने शुरू किया है, रात को भी यही बैठेंगे। तो मेरे को सवाल थे प्रधान जी का, प्रधान जी बोलने से बड़े बेहतर उन्होंने बोले गए, मैं कांग्रेस पार्टी का आ गया तो नेता आ गया, शोषण कर रखा है इस कैटेगरी का, उनकी आवाज बुलंद है और आज पूरे हेडक्वार्टर में उन्होंने बताया कि चक्का जाम सा हो गया, अब देखते हैं 8 मार्च में तारका किस तरह से रोकने का, किस तरह से जितने काम होगा किस तरह से मानी जाएगी। सलाह है कि सरकार का पत्थर चलेगा कि लड़ाई चलती है।